की ओर से इस राज्य के महत्वपूर्ण विषय पर हम सरकार के संवाद से उठने वाली भ्रांतियों को आदरणीय राज्यपाल जी के महोदय के माध्यम से आग्रह करने का कार्यक्रम प्रारंभ करने वाले आप सभी विदित होंगे कि लंबे समय से प्रदेश के छात्र, नौजवान, पॉलिटिकल राजनीतिक दल, जातीय समूह, सामाजिक संगठन इस प्रदेश के स्थानीय नीति के संदर्भ में अलग अलग रूप से मांग करते रहे, आंदोलन करते रहे। मुखर होकर हमारी पार्टी भी इस संदर्भ में लगातार पिछले 10 वर्षों से अलग अलग समय पर अलग अलग कार्यक्रम अख्तियार किया है और सरकार के संज्ञान में खुद भागीदार होते हुए भी लाने का प्रयास किया है। क्योंकि जो गवर्नमेंट अभी है, इस सरकार ने पिछले चुनाव में झारखंड जनमानस के सामने ये निश्चय लिया था कि हम आएंगे तो स्थानीय नीति का को परिभाषित करेंगे और 1932 के आधार पर हम स्थानीय नीति लागू करेंगे। आज सरकार के कमोबेश 3 वर्ष पूरे होने को हैं, कुछ महीने शेष हैं। जो कुछ महीनों में निर्णय लेना था उसके लिए 3 वर्ष सरकार के लगे हैं। मैं जिस भ्रांति की बात कर रहा हूं, सरकार ने और सरकार के खुद मुखिया ने, मुख्यमंत्री जी ने पिछले बार जब लगातार हाउस के अंदर इस संदर्भ में हम अपने विचारों को रखते थे तो पिछले बार उनका बयान 1932 संभव नहीं हो सकता है, ऐसा बयान उनका आया। ये सभी आप सभी लोग इसके गवाह हैं और उन्होंने इसको लेकर अपना स्पीच भी दिया था कि यह संभव नहीं हो सकता है। उसके फुटेज है, उसके अखबार के कतरन भी हैं कि उन्होंने कहा कि भाई स्थानीय नीति नहीं बन सकती। एक फिर इस बार आपने देखा होगा कि हाउस के अंदर अनचाहे रूप से मुख्यमंत्री इस विषय पर आ जाते हैं और कहते हैं कि इसको हम करेंगे। मुझे याद है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की पिछली गवर्नमेंट थी, कांग्रेस के साथ एक सब कमेटी बनी थी और वो कमेटी का कोई रिजल्ट भविष्य में आया नहीं। मुझे ये भी याद है कि मेरे अध्यक्षता में भी कमेटी बनी थी जिसके मेंबर मुख्यमंत्री जी हुआ करते थे और उसके मीटिंग्स जो होती थी उसमें वो खुद नहीं होते थे, खुद नहीं आते थे, मैं उन पर नहीं जाता। लेकिन आज चूंकि दो तरह की भ्रांतियां इस सत्र से पूर्व, एक दिन के स्पेशल सत्र से पूर्व मुख्यमंत्री का जो बयान था और इस बार का बयान में फर्क पड़ा है। फर्क किस लिए पड़ा ये आप सभी लोग जानते हैं और झारखंड के लोग भी जान रहे हैं कि अचानक इस तरह का बयान आया है। मैं उनके फर्क पड़ने के कारण पर नहीं जाता, मैं चाहता हूं कि ये राज्य के नौजवानों के लिए जो अवसर नौकरियों में, उनके लिए शिक्षण संस्थानों में, व्यवसाय में जो अवसर बनेगा उस अवसर का लाभ यहाँ के नौजवानों को, स्थानीय लोगों को मिले, इसके लिए सुनिश्चित करें। स्थानीय नीति खतियान का आधार हो, चूंकि अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर सर्वे का काम हुआ है लेकिन अंतिम सर्वे तक 1932 से लेकर 64 या उसके बाद भी हुए हैं। हम लोग ने यही कहा है कि 32 उसका मूल आधार बने और जिस प्रदेश में उसके बाद भी हुआ है उनको भी आधार बनाए, इसको लेकर एक स्थानीय नीति बने। सरकार जल्द से जल्द, सरकार जो हाउस में चर्चा की है, बात की है, मुख्यमंत्री का हाउस में बोलना वो सरकार का निर्णय माना जाता है, सरकार का संदेश माना जाता है, तो इस निर्णय को जल्द से जल्द अमल करें। नियोजन नीति बने, नियोजन नीति भी बने, साथ ही साथ ओबीसी को लेकर इस प्रदेश में आरक्षण को लेकर जो चर्चा हो रही है इसका भी अलग अलग स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर
इस प्रदेश की एक बड़ी समाज 200 इसमें ओबीसी के अंदर पढ़ने वाली छोटी संख्या किस से लेकर लाख संख्या बसर करने वाले लोग कहीं ना कहीं प्रभावित हैं। इसलिए इस प्रदेश में इस पर भी निर्णय आना चाहिए और जातिगत जनगणना के आधार पर आना चाहिए, क्योंकि पिछले सेंसस और अभी का सेंसस अभी चल रहा है, काफी समय बीत गया। न्याय यही होगा कि ओबीसी को या आरक्षण का जो आएगा नया सेंसस में, एसटी एससी का नया सेंसस भी आएगा, उसके साथ ओबीसी का भी आ जाए। इसके लिए जरूरी है कि राज्य सरकार ये निर्णय ले कि जातिगत जनगणना प्रदेश में हो और जातिगत जनगणना के आधार पर ही ओबीसी का आरक्षण सुनिश्चित हो। ये सरकार को निर्णय लेना चाहिए और हम लोग केवल इस ये सरकार को निर्णय लेने की केवल मात्र पहल नहीं कर रहे। हम लोग ने समय समय पर, आपने देखा होगा, कोविड काल के बीच में हमारी कोशिश रही कि हम अपने सरकार तक अपनी बातों को, जनता की आवाज को पहुंचाएं। इसके लिए लगातार कोई ना कोई कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग सरकार को इतला करते रहे। हम लोग ने इस बार निर्णय लिया है कि इस बार महामहिम के माध्यम से राज्य सरकार को सूचना देने का काम करेंगे, उन पर दबाव बनाने की कोशिश हमारी होगी। चूंकि पिछले बार मुख्यमंत्री के यहां तक हम लोग ने पहुंचने का काम किया, उन तक बात पहुंचाई, उसका परिणाम आप सभी लोग देखें। इस बार हम लोग ने निर्णय लिया कि 23 तारीख विनोद बिहारी महतो जयंती के दिन से लगातार 81 विधानसभा के लोग हजारों की तादाद में हर एक विधानसभा एक दिन रांची कूच करेगा, महामहिम तक पदयात्रा कर महामहिम के यहां तक पदयात्रा करेंगे, उनको ज्ञापन देंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि हाउस में सरकार के और बाहर भी कमिटमेंट किए हुए वादों को जल्द से जल्द पूरा कराने का दबाव सरकार के ऊपर डालेंगे। ये कार्यक्रम हमारा है और ये लगातार 81 विधानसभा के लोग लगातार आके लगातार ये कार्यक्रम हमारा चलेगा और इस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हम लोग ने निर्णय भी लिया है कि जल्द ही एक शिष्टमंडल हमारा श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भारत सरकार के यहाँ पर हम लोग जाएंगे, चूंकि लंबे समय तक झारखंड में रहने का उनको अनुभव है और चूंकि हमारे प्रदेश बृहद प्रदेश का हिस्सा वो रही हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ के मूल विषय सरना कोड जैसे विषय पर हम लोग उनसे बैठ जाएंगे, बात करेंगे और उसका कैसे झारखंड के और इसके बाहर के प्रदेशों का समय बनाकर कैसे इसका रास्ता निकाला जा सके, इस पर भी चर्चा हम लोग करेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।